नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94-666-91-540। आज के मुख्य समाचार। चोरी के लोहे के पाइप भट्टू मंडी में एक कबाड़ी की दुकान से बरामद हुए हैं। चौपटा थाना के गांव अरनियाली से चुराए 2 लाख कीमत के 10 लोहे के पाइप भट्टू मंडी में पुलिस ने बुधवार को कबाड़ी की दुकान से बरामद करने में सफलता हासिल की। सिरसा जिले के गांव अरनियाली निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उनके खेत उनके घर के आगे लोहे की 10 इंची साइज की 10-12 ट्यूबवेल की पाइप रखी हुई थी। इन पाइपों का ट्यूबवेल लगाने में प्रयोग होता है, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है, जिसे अज्ञात चोर रविवार रात्रि को एक वाहन में चुरा कर ले गए। उन्होंने तुरंत थाना चौपटा मामला दर्ज करवा अलग अलग थानों से सीसीटीवी अलग अलग स्थानों से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले सुराग जुटा लिया, जो कि भट्टू मंडी में बंटी नामक कबाड़ी की दुकान पर मिला। आगामी कार्रवाई चौपटा पुलिस कर रही है। चोरी हुई ये पाइप भट्टू मंडी में निसार मोड़ पर स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर बेची होने की सूचना मिलने पर चौपटा पुलिस थाने ने SHO राजा राम पुलिस टीम के साथ मौके पहुंचे। यहां से चोरी की पाइपें बरामद हो गई। इन पाइपों का वजन करीब 11 क्विंटल है। इन सभी पाइपों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बारे में थाना प्रभारी ने कहा है कि पुलिस पूरी जांच कर इस संबंध में आगामी कार्रवाई करेगी और आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने बैठक कर ग्रामीण कमेटी का गठन किया। गांव ढाबी खुर्द व भट्टू कला में बुधवार को किसान सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दोनों स्थानों पर 15-15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। किसान सभा जिला सचिव कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि गांव ढाबी खुर्द में बनी ग्रामीण कमेटी में बिशन सिंह प्रधान, रमेश स्वरूप प्रधान, रोहतास सचिव, रामस्वरूप कोषाध्यक्ष व गजेंद्र सिंह को सलाहकार नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य कमेटी सदस्य होंगे। वहीं भट्टू कला ग्राम कमेटी में किशोरीलाल प्रधान, शंकरलाल सचिव, पवन कुमार सह सचिव, कृष्ण चंद्र कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं अन्य कमेटी सदस्य होंगे। कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आगामी 24 जून को तहसील स्तर पर अग्निपथ योजना के खिलाफ में प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जिसको लेकर उनकी तैयारियां जोरों से चल रही है। इसको लेकर किसान सभा जो मिलिट्री फौज को भी प्राइवेट करना लग रही है, ग्रामीणों से संपर्क कर रही है। पूरे देश में